एमएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है राजस्थान के नागौर जिले के जायल विधानसभा। जायल की जनता से जानेंगे कि क्या है अब की चुनाव में उनकी राय। और इस वक्त आपको बता दें कि जायल से विधायक हैं कांग्रेस की मंजू मेघवाल। उनके 5 साल के कामकाज का लोगों से जायजा भी लेंगे और 2023 चुनाव पर भी लोगों की राय जानेंगे कि आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस में जायल में कौन आगे चल रहा है। तो चलिए जायल चलते हैं और जानते हैं जनता की राय कि चुनाव में क्या कुछ लग रहा है, परिवर्तन या जो चल रहा है वही। जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन क्या है कि जो एक तो भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा लिप्त है कांग्रेस गवर्नमेंट। हाँ, हनुमान बेनीवाल जी जब चुनाव के समय तो बहुत जोश वोश के साथ आए थे, हाँ उसके बाद में अलग से कभी नहीं आना। आरएलपी का यहाँ अभी कोई महत्व नहीं है, कल रैली थी तो 100-200 आदमी थे और आने का इनको फुर्सत नहीं है, सिर्फ वोट का टाइम होता है तभी ये सीजन पे दिखते हैं। बरसात में जैसे मेंढक बाहर निकल के आते हैं वैसे वो हाल है। परिवर्तन तो होना चाहिए ना। आरएलपी का कुछ नहीं है, वहाँ का तो एगो नहीं देना फालतू, क्यों के वहाँ कोई को नहीं, मैं तो कौन गया हूँ उनको वोट देना फालतू है। मैं तो क्यों, फालतू ही है, आपका देह है। चेहरे के नाम पे देंगे या फिर कमल के नाम पे मोदी? कमल के नाम पे, चेहरे के नाम पे और हम मोदी के काम के नाम पे, और है तो मोदी है, बाकी सब पीछे है। जायल विधानसभा में कितने वोटर हैं और कौन कौन सी कौम के हैं? 2 लाख से लगभग है वोटर्स, जो पूरा एग्जैक्ट तो मेरे को मालूम है, ये सारे ही हैं। यहाँ पे समझ लो ना कि सबसे ज़्यादा जाट जाति के हैं, फिर SC के हैं और उसके बाद में अल्पसंख्यक भी हैं, स्वर्ण जाति के भी हैं, OBC भी हैं, सारे ही हैं। तो अब के चुनाव में क्या कुछ लग रहा है, परिवर्तन या जो चल रहा है वही? जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट ने चाहे कितने भी काम किए वो ये फ्री की कितने भी रेवड़ियाँ बांट रही हैं, कर रही हैं, पब्लिक का पैसा फ्री में दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो एक तो भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा लिप्त है कांग्रेस गवर्नमेंट, जो एक जो दूसरा क्या है कि महिलाओं के साथ में अत्याचार है, उनके जैसे अपहरण वगैरह बहुत कांड हो रहे हैं मतलब। हाँ, हनुमान बेनीवाल जी जब चुनाव के समय तो बहुत जोश वोश के साथ आए थे, हाँ उसके बाद में अलग से कभी नहीं आना हुआ उनका। हाँ, अब कि क्या लग रहा है चुनाव में क्या कुछ होगा? चुनाव में जो अभी जो लग रहा है कि अभी क्लियर नहीं है कि जो लोग हमेशा जो सक्रिय होते हैं वो लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, कांग्रेस, BJP, RLP सब के, तो अब पता नहीं कि वो इतने चुप बैठे हैं तो उनका कारण क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखो BJP में जो भी टिकट जिसको भी मिलेंगे, हाँ कमल पे, तो उनको वोट देने के लिए लोग इच्छुक है। कुछ मोदी जी के नाम पे भी दे, मोदी जी के ऊपर सेंट्रल में बहुत अच्छे काम होते हैं। और RLP का क्या कुछ है आपके यहाँ? RLP का यहाँ अभी कोई महत्व नहीं है, कल रैली थी तो उसमें भी कोई महत्व नहीं था, पहले वाला जितना नहीं था, 100-200 आदमी थे कल। हाँ कल दो रैली ये जायल में थी ना कल, वो कौन आया था? आया था हनुमान वैली वाला आया था। हाँ तो 100-200 लोग हैं, 100-200 लोग। हाँ विशेष को नहीं हो, कोई 100-200 लोग बन कोई विशेष ये बिकसा है आज जगह बेहाई, बाकी यहाँ के कोई लोकल में ज़्यादा कौन पर नहीं, उनके लिए तरफ से हमारे गांव में तो कोई ज़्यादा है नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा है उनका कोई है ही नहीं। ऐसे भी वो जाट समाज से है तो अगर समाज पक्ष के हिसाब से देखे तो हमारे गांव में जाट है नहीं, तो इसके लिए हमारे लिए तो गांव में 0 वोट ही है उनका, करीब करीब ऐसा हाल है। ऐसा क्यों है कि सांसद तो हैं ही जायल के, वो आते क्यों नहीं आप लोगों के बीच? आते बोले तो ये सीजनेबल है, इनको कुछ ज़्यादा वोट दिखता है अपनी कम्युनिटी के वहाँ भागते हैं, और आने का इनको फुर्सत नहीं है, सिर्फ वोट का टाइम होता है तभी ये सीजन पे दिखते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बातें करते हैं लेकिन जैसे बरसात होता है तो वो सब बरसाती जीव है वो बाहर निकलते हैं, वैसा हाल है यहाँ। हाँ बरसात में जैसे मेंढक बाहर निकल के आते हैं वैसे वो हाल है, और गाँवों में तो आज भी बोले तो हर तरह से अभाव है। काम कर रहे हैं विधायक मंजू मेघवाल? विधायक मंजू मेघवाल ने बहुत अच्छा काम किया जी। क्या किया? काम तो हमारे पानी की कमी थी वो हो गई, वो सड़कें बनी हुई है और बनवा दी, काम जो भी हुआ अच्छा ही हुआ जी। तो फिर अब के चुनाव में परिवर्तन या जो चल रहा है वही चलेगा जी, परिवर्तन नहीं है जी। हाँ BJP का क्या कुछ है जायल में? BJP का तो हमें तो कुछ देखा नहीं, BJP का सब कांग्रेस ही कांग्रेस है जी यहाँ पे, तो
अच्छा, हर बार बीजेपी कांग्रेस की ही लड़ाई होती रहती थी, अब की आरएलपी भी आ रही है, उसका कुछ ना? अब के सिर्फ कांग्रेस ही है, अब की लड़ाई नहीं होगी, अब की रिपीट ही होगी वापिस। चुनाव में क्या सोच रहे हैं फिर, जो विधायक हैं आपकी चुनाव में क्या सोच रहे हैं, बदलाव या जो है वही? किसी में सोचो बलाएं बराबर ही है, बलाएं कांग्रेस सोचो और बलाएं बीजेपी सोचो। तीसरी पार्टी आरएलपी भी है उसका? नहीं, आरएलपी नहीं सोचेंगे, नहीं आरएलपी नहीं सोचेंगे, सोचेंगे कांग्रेस या इसका कुछ कारण बताइए क्यों नहीं सोच। आरएलपी को तो पार्टी है को नहीं, कम है, जगह जगह ज्ञान है, कांग्रेस बीजेपी ज्ञान पार्टी तो है। यहाँ से सीट कांग्रेस का निकलेगा, मंजू मेघवाल अच्छा काम कर, हाँ एक नंबर का काम किया सब जगह। क्या क्या काम किया? रोड का ही काम है सब जगह, पानी का नल है सब जगह, लाल दिया, डानी में है, डानी में रह रहे हैं हम लोग, डानी में पानी का नल है, अभी डाल दिया है पहले ही चुनाव के, और जहाँ जहाँ रोड है वो पास किया हुआ है, और रोड पर अभी काम चल रहा है, और जो भी काम जाते हैं सुनवाई के लिए तो काम करते हैं उसमें क्या। और पार्टियों का, बीजेपी का कुछ यहाँ? बीजेपी जेपी यहाँ ज़्यादा है ही नहीं। तीसरी पार्टी आरएलपी है उसका? कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं है बस पर। मंजू जी मेघवाल के साथ है, अब की बार उन्हीं के साथ है। काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया, सारा ही सड़कें बनाना है, जैसे पाइपलाइन का काम है, सब डामरीकरण है, आसपास के आजू बाजू की स्थिति भी, सड़कें हैं गाँव से फोर ये हाईवे में मिलाना है, ये सब काम उन्होंने किया है। बीजेपी का कुछ यहाँ पर? बीजेपी का तो देखो अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं, और बाकी कह नहीं सकते हैं। सांसद निधि से जायल का कुछ विकास हुआ है नहीं? सांसद निधि से जायल का कोई संभवता कोई कुछ विकास नहीं हुआ है, यहाँ तो एमएलए कोटे से ही विकास हुआ है। लेकिन आरएलपी जायल में चुनाव लड़ेगी, उसका क्या लग रहा है? आरएलपी का तो कोई नहीं है इधर, तो अर्थ था बीजेपी जीती, जैल में मंजू मेघवाल कैसा काम किया 5 साल में? बहुत अच्छा काम किया सर। इन्होंने देख लो रिको के अंदर भी किया था, और उसके अलावा सड़कों का बहुत अच्छा काम किया है, और हॉस्पिटल के अंदर भी अच्छा वो काम किया है। सबसे बड़ी समस्या पानी का क्या हाल? पानी की कोई समस्या नहीं है जैल में, तो इंदिरा गांधी का पानी आता है। इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है? नहर का पानी प्रॉपर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, पीने लायक है, पीने लायक है। तो आपकी क्या चुनाव में है? आपकी चुनाव में क्या सोच रहे हैं? इस बार कांग्रेस आएगी हमारे यहाँ, हाँ, और हमारे वहाँ पे सभी प्रकार से बीजेपी के लिए सपोर्ट रहा है। कितने वोटर हैं आपके गाँव में? मेरे गाँव में 3800 वोटर है, सभी जाति के हैं। सबसे ज़्यादा है ब्राह्मण है, जाट बेल्ट है, उनमें से लगभग बीजेपी के लिए सपोर्ट। परिवर्तन तो होना चाहिए ना। परिवर्तन में कौन? परिवर्तन में तो ये बीजेपी हो या चाहे आरएलपी हो, कोई भी हो सकता है। जेल में आरएलपी का क्या कुछ है? आरएलपी का है, अब की बार सीट निकाल सकते हैं? हाँ यस, पिछली बार 50,000 वोट आए थे लगभग, 50,000 आपका क्षेत्र अच्छी के 36.7 में, अब की बार 36.7 में, अब की बात 36.7 में, पहले एक ही कौम का ज़्यादा वोट था जाट जाति का, बाकी का था थोड़ा बहुत तो कम था, अब की बार। पिछली बार कौन लड़े थे आरएलपी से? अनिल बारूपाल। 5 साल में हम लोगों से पूछ रहे हैं कि चले भले चुनाव हार गए, लोग कह रहे हैं फिर भी 5 साल हमारे बीच तो आए ही नहीं, कौन नहीं है? अनिल बारूपाल कोई काम पड़े तभी तो आ रहे हैं, हम लोग तो वहीं जाते हैं काम पड़ते हैं, तो और तो कोई नेता ही नहीं है लोकल। मोदी सरकार ने काम खूब करवाया, पिछले टाइम में भी करवाया और आगे भी करवाएंगे, और हम मोदी के हैं फैन, मोदी को वोट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेल में चेहरे के नाम पे देंगे या फिर कमल के नाम पे? मोदी कमल के नाम पे, चेहरे के नाम पे, और हम मोदी के काम के नाम पे, और है तो मोदी है, बाकी सब पीछे है। जेल में पिछले 5 साल में काम हुआ है? काम तो हुई है, चले इन्हें काम। विधायक ने क्या क्या करवाया? सगड़ाई करा बैठ दिमाग, अब की क्या लग रहा है परिवर्तन या वही? अब की ठाक होने हाल है, परिवर्तन तो हो ही मिलो। परिवर्तन किसको लाएंगे परिवर्तन में? अब देखो कौन आवे बात, बीजेपी या आरएलपी? बीजेपी आई। आरएलपी का क्या कुछ माहौल है जेल में? आरएलपी का जानवाने हाल मोदी के नाम से, मोदी के नाम से,
मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे बीजेपी से? मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री बन रही वसुंधरा। अभी तो बन नहीं पा रही है, अभी तो बात नहीं बन पा रही है। बात आ जाएगी, 21-22 को नंबर आ जाएगा वसुंधरा को। बेनीवाल भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं? बेनीवाल भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं? कौन बनी? अगर तीन पार्टी खड़ी होगी तो बीजेपी निकलेगी। आरएलपी बड़ा दम भर रही है जेल से जीतने का। आरएलपी का दम तो भरना, वो पहले वाली पोजीशन नहीं है जो पहले थी, पिछले वर्ष मतलब पिछले चुनाव में वो इस बार नहीं। ऐसा क्यों दादाजी? अच्छा, मैं तो कांग्रेस ही, यार कांग्रेस में ही थे हम। आरएलपी का कुछ कुछ नहीं है, वहाँ कहते हैं कौन इतना फालतू, क्यों के वहाँ कोई को कौन नहीं, मैं तो कौन क्यों उनको वोट देना फालतू है? मैं तो क्यों, फालतू ही है, आपका दे है। चुनाव तो बढ़िया ही है, हाँ जैल का बढ़िया चुनाव होगा। और मंजू जी मेघवाल है यहाँ की विधायक, और टिकट दोबारा उन्हीं को ही मिलेगी वापस, ये भी तय है। काम बहुत उन्होंने अच्छा करवाया है, और रोडों का काम कराया है, लाइटों का, पूरे गांव में लाइट लगी हुई है, नगर पालिका हमारे जैल में बनवाई दी, और चारों तरफ से जैसे हमारा शहर चारों तरफ से रोड से जुड़ा हुआ है, काम की कोई कमी नहीं है उनके, और वो यहाँ से वही जीतेगी मंजू मेघवाड़ी। बीजेपी का यहाँ कुछ माहौल कभी? बीजेपी का देखो, अगर मंजू जी बागमार को टिकट मिलती है तो कुछ टक्कर होगी, और बाकी किसी को अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो कोई टक्कर वाली बात नहीं। किसी मतलब आरएलपी का आती है तो? नहीं, आरएलपी का तो कोई मतलब ही नहीं है जी, 15-20 हज़ार वोटों में छोड़ जाएगी आरएलपी तो। ऐसा क्यों? ये पिछली बार 45-50 हज़ार वोट मिले थे आरएलपी को, इस बार क्या है कि लोगों का रुझान है आरएलपी को ना देकर बीजेपी को वोट देने का। अच्छा, कम क्यों होगा? 50 हज़ार कम होगा कि मतलब वो एक विशेष कोई पकड़ नहीं, कैंडिडेट बढ़िया नहीं है उसका। हनुमान बेनीवाल जैसा। क्या है हनुमान बेनीवाल? तो नेता है उस टाइप का, बढ़िया काम कराता है, विकास कराता है। क्यों सर? में 5 साल में क्या क्या विकास किया? वो तो नागौर में गए हैं, संसद में जेल भी तो आता है, तो उस हिसाब से गए ना, आपके गोटेक से करवाए, कुछ भी करवाए, जैसे बागमान ने बीजे मंजू मेघवाल ने भी कराए, उस तरह भी कराए ना, जो उसके हाथ में होता है वो काम करवाता है। वो युवा उनकी तरफ ज़्यादा क्यों रहे? अडमान मेलीवान 5 साल से आप कल आए हैं, और 400 की भीड़ नहीं जुटा पाए, 400 लोग नहीं थे। पिछली बार 50 हज़ार वोट आए थे, अब की बार 20 हज़ार में सट जाएंगे। 30 हज़ार कम क्यों हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, बताइए ना क्या? काम नहीं किया सांसद ने, काम बिल्कुल नहीं किया, नागौर आज ऐसे ही पड़ा है। हाँ, देख के तो आया हूँ। तो फिर आरएलपी का कुछ जेल में है नहीं? बिल्कुल नहीं। मंजू मेघवाल ने क्या क्या काम किया? मंजू ने तो बहुत काम किया, चारों हर गांव में काम किए। जाहिल की बात करें तो जाहिल ने बहुत बेहतरीन काम किया मंजू मेघवाल ने, बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार है, और नेक्स्ट टाइम में वही आने वाली है। टिकट मिल रहा है? बिल्कुल टिकट उसका मिल रहा है, वो तो अशोक गहलोत जी के बाएं हाथ है। ये बात अभी बताइए, बीजेपी कैसा है? बीजेपी की तरफ हमारा कोई वोट नहीं है। कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे? हैं, कांग्रेस के नेता के तौर पे क्या कहेंगे? अब वो नेता की नेता जाने, हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारे जो स्थानीय जो नेता मंजू मेघवाल है ना, वो लोकप्रिय नेता है, जनहित में काम करती है और जनता का काम किया है। लेकिन अब की कांग्रेस का काम बिगाड़ने के लिए आरएलपी तो आ ही रही ना? नहीं, आरएलपी के बारे में हम कुछ नहीं बोलते, नहीं आरएलपी के बारे में हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, वो जाने उनका काम जाने, हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। जेल में क्या कुछ लग रहा है? जेल के अंदर 99% आरएलपी है। लोग कह रहे हैं 400 लोग भी नहीं जुटे कल, बस अफवाह चल रही है। वैसे अब की बार कांग्रेस में 2 गुट है, सुरेश मेघवाल प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक मंजू मेघवाल कर रही है। युवाओं में इतना लोकप्रिय क्यों बेनीवाल? वो युवाओं के लिए हर पल तैयार रहते हैं, किसान और जवान के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए युवाओं में पकड़ है उनकी। किसानों के लिए तैयार रहते हैं, युवाओं में क्या है कुछ? युवाओं के लिए हर पल तैयार रहते हैं वो, हर आवाज़ क्या करते हैं? हर आवाज़ उठाते हैं, जैसे अग्निवीर है, चाहे कौन सी भी पार्टी हो। अग्निवीर तो केंद्र की, केंद्र का काम है वो तो तय है। हाँ, तो सांसद होने के नाते वो उठा रहे हैं ना उनकी युवाओं का हाथ। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ के युवाओं के लिए? सबके लिए तैयार रहते हैं, इसलिए बेनीवाल जी लोकप्रिय है। मंजू मेघवाल ने कितना काम किया है? मंजू मेघवाल काम तो करियो, काम तो किया उसने, हॉस्पिटल बनवाए हैं, सड़कें बनवाई है, पानी बनाया है, ESC का किया है। तो आपकी क्या लग रहा है, वहीं आएंगे कोई और? वो नहीं आएंगे, अब सत्ता का परिवर्तन होगा। परिवर्तन में कौन? भारतीय जनता पार्टी आएगी। मोदी के नाम पे या फिर यहाँ कोई कैंडिडेट? मोदी के नाम पे।
मोदी में ऐसा क्या पसंद? मोदी सभी का काम करता है, अच्छा काम करता है। अच्छा, तीसरी पार्टी आरएलपी भी है, उसका क्या? तीसरी पार्टी अब की बार नहीं आएगी। अभी आए तो थे हनुमान मणिवाल दम भर रहे, तो आए थे लेकिन काम कर रहे हैं, काम तो अपना तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन में कौन? बीजेपी। परिवर्तन में बीजेपी का ज़्यादा चांस है। कमल के निशान पर या फिर मोदी के निशान पर? मोदी के चेहरे पर। हाँ ठीक है, मोदी और योगी। मोदी और योगी। हाँ। योगी का क्यों जिक्र राजस्थान में? योगी का मतलब उसके अंदर यूपी में अच्छा है, मुझसे काम काज किया, इस हिसाब से इधर भी उनको पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि बेनीवाल भी योगी जैसा काम करते हैं। नहीं, इम्पॉसिबल है। अफवाही है। मतलब सांसद निधि से कुछ भी काम नहीं हुआ? कुछ नहीं के बराबर ही है। नहीं के बराबर। किसानों की आवाज़ है कह रहे हैं? हाँ, किसानों की आवाज़ है लेकिन उसमें कोई ज़्यादा महत्व वाली बात नहीं है। आरएलपी जैसे हनुमान बेनीवाल है, वो नेता बहुत अच्छा है, किसानों के हित के लिए सोचता है, इसलिए आरएलपी का एक बार तो विधायक होना ही चाहिए। पिछली बार कांटे की टक्कर थी, बीजेपी तो नहीं रहेगी इधर तो, लेकिन कांग्रेस और आरएलपी की बहुत ज़्यादा टक्कर रहेगी। अशोक गहलोत की योजनाएँ जो हैं आप सब तक पहुँच रही? हाँ पहुँच रही है, हाँ सब आ रहे हैं। हाँ सब आ रहा है बराबर। फिर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अब देखो कौन सा आएगा, वो तो अब आने पर मालूम पड़ेगा। और हमारा तो ये मंजू है ना, ये आना चाहिए। हाँ ये आना चाहिए। और पार्टियाँ आरएलपी भी आने के दम भर रही? ये आएगी, यहाँ से ये आएगी फिर। हाँ मुश्किल है, कारण तो इसकी छवि कुछ ठीक है, क्यों ये पब्लिक के बीच में रहती है, काम कराती है, सबके घूमती है, वो कभी कभी आते हैं लोग। सांसद निधि से कितना काम किया? सांसद में ठीक किया है काम तो। सांसद निधि से काम किया हनुमान ने? नहीं नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं किया है, हमारी नज़र में किया होगा, हमारी नज़र में नहीं है। क्योंकि वो मंजू मेघवाल है, वो सबसे संपर्क रखती है, संपर्क की है। आपके सांसद हैं रहती है। आरएलपी भी की लड़ रही जायल से, क्या कुछ लग रहा है उसका? आरएलपी का दबदबा बहुत कम ही है यहाँ पे। कारण क्या लग रहा है? कारण तो ऐसे है कि वो पेट तो है नहीं उनकी ज़्यादा, इसलिए हाँ दम तो भरे हैं लेकिन पावर नहीं है। हाँ हवाई, हाँ हवाई है मामूली। सांसद भी हैं आपके, कितना काम किया सांसद के तौर पर? सांसद ने कुछ नहीं किया है, जायल में कुछ नहीं, एक पैसे का काम नहीं। फिर आपकी आप लोग केवल कांग्रेस सोच रहे हैं, आरएलपी नहीं? आरएलपी ने किया नहीं तो काम तो बिल्कुल नहीं।